गोल चक्कर से हनुमान मंदिर गोल चक्कर से आगे आ गए हैं, तो ये सामने देख रहे हैं, इसे हम ATS गोल चक्कर बोलते हैं। उसके जस्ट बगल में ग्रोसरी की दुकान भी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। बाहर ना जाना पड़े इसलिए अंदर भी एक आपकी दुकान आ जाती है। ड्यू नहीं है, सारी चीज़ क्लियर है, रजिस्ट्री ओपन है, SBI से लोन हो रहा है, सारी चीज़ इसकी ओके। अगर आप ऐसे सोसाइटी में जाना चाहते हैं जिसके अंदर सारी अमेनिटीज ऑपरेशनल हो, इसके अंदर ज़्यादा टावर नहीं दिए हुए हैं, ओनली 4 टावर हैं, फ्रंट पे 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट आ जाती है, इससे अच्छी सोसाइटी, इससे रॉयल सोसाइटी आपको छोटी सोसाइटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, आप मेरे चैनल देख रहे हैं माई चॉइस प्रॉपर्टी। आज हम एक नया प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाले हैं वो जो कि आपका नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 के लोकेशन में होने वाला है। पहले आपको रोड बता देता हूँ किस तरीके से आपको आना है, किस लोकेशन से आना है। तो सामने आप देख रहे हैं ये आपका गॉड सिटी से रास्ता आ रहा है, सीधा आप आते हैं, ये आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर गोल चक्कर है, ये आपका गोल चक्कर आ जाता है, इसे हनुमान मंदिर गोल चक्कर बोलते हैं। अगर आप ये सीधा निकलते हैं तो आपका ये वाला रास्ता निकल जाता है परी चौक के लिए, सूरजपुर के लिए। यहाँ से हमारा बीच में रास्ता आ जाता है एक, जो कि आप सामने रास्ता देख रहे होंगे, कोने की सोसाइटी स्टाइल या आपकी सुपरटेक इकोप्लेज बना आ जाती है, उसके सामने से आपका रास्ता जा रहा है जो कि आपका सेक्टर 1 के लिए जाते हैं नोएडा एक्सटेंशन। आज हम जो सोसाइटी देखने वाले हैं वो अरिहंत अंबर होने वाली है सेक्टर 1 की लोकेशन में। ये आपका चौराहा आ जाता है, लैंडमार्क हनुमान मंदिर गोल चक्कर आ जाता है, ये आपका लैंडमार्क है। यहाँ से होकर के हम, अगर आप गौर सिटी से आ रहे हैं तो यहाँ से होकर के जा सकते हैं। बाकी मैं आपको एक इससे आगे गोल चक्कर आता है, अगर हम सीधा जाते हैं ATS गोल चक्कर, अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम गोल चक्कर से हनुमान मंदिर गोल चक्कर से आगे आ गए हैं, तो ये सामने देख रहे हैं, इसे हम ATS गोल चक्कर बोलते हैं। अगर गोल आप गौर सिटी से आ रहे हैं तो आपने राइट लिया हनुमान मंदिर गोल चक्कर से, फिर आप सीधा आते हैं तो ये ATS गोल चक्कर आ जाता है। इधर ये वाला रोड देखेंगे, ये सीधा आपका हनुमान मंदिर गोल चक्कर से आपका आ रहा है जो कि ATS गोल चक्कर पे आता है। एंड ये सामने एक रोड जा रहा है, ये आपका सीधा गौर सिटी पे जा रहा है। अगर गौर सिटी से आप आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप इधर से आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इधर, सामने एक रोड, ये स्विफ्ट गाड़ी जा रही है, ये वाला रोड देख रहे हैं, ये आपका सेंट्रल नोएडा में निकल जाता है FNG क्रॉस करते हुए, जो कि आपका सेक्टर 78-79 से ब्रिज क्रॉस होते हुए निकल जाता है। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, तो ये वाला रोड जो जा रहा है आपका सीधा निकलता है अरिहंत अंबर हो गए, SDBIN हो गई, ATS हो गए, ये सारी सोसाइटियाँ हो गई, उसे क्रॉस करते हुए निकलता है। तो हमें जाना है इस वाले रोड पे होकर के, अगर आप सेंट्रल नोएडा से आ रहे हैं परी चौक सेंट्रल नोएडा से आ रहे हैं तो इस वाले रोड से होकर के आप डायरेक्टली आ सकते हैं, फिर आपको इधर मुड़ना पड़ेगा तो आप सीधा अपने प्रोजेक्ट पे पहुंच जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट पर, ये सामने देख रहे हैं ATS गोल चक्कर से सीधा रोड आया है, रोड से आकर के ये हमारा प्रोजेक्ट की एंट्री आ जाती है, एंट्री स्टेज हमारी ये हो जाती है। जैसे आप एंटर करते हैं सामने अरिहंत अंबर हमारी सोसाइटी आ जाती है जो कि रेडी टू मूव है, ऑलरेडी फैमिली रह रही है इसके अंदर, तो सारी चीज़ कम्प्लीट है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अब हम इसके फ्रंट में दिखाने वाले हैं, 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट आ जाती है जो कि गवर्नमेंट की रहेगी, बट बिल्डर इसको मेंटेन करता है। तो आइए चलते हैं अपने ग्रीन बेल्ट पे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं पूरी की पूरी हमें ग्रीन बेल्ट आ जाती है, 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट फ्रंट पे दी हुई है। इस ATS गोल चक्कर से लेकर के सारे जितने भी सोसाइटी हैं इस रोड पे आपकी पड़ेंगी, सबके सामने आपको 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट देखने को मिलेगी, जो कि इसे बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे सारा काम करेगा वो करता है बिल्डर, मेंटेन इसको बिल्डर करता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसके ग्रीन एरिया। Thank you.
अब हम आ चुके हैं सोसाइटी के मेन गेट पे। ये हमारा मेन एंट्री गेट रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एंट्री एंड एग्जिट गेट। फ्रंट पे ही हमने कॉमर्शियल मार्केट भी दी हुई है, जो कि 10 से 12 दुकानें आ जाती हैं फ्रंट पे, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये हमारी दुकानें रहेंगी फ्रंट पे, ये हमारी शॉप्स आ जाती हैं फ्रंट पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फ्रंट पे अगर हम बात करते हैं, दोनों साइड हमने ग्रीन बेल्ट दी हुई है 100 मीटर की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इस तरफ भी आपका बिल्डर जो मेंटेन कर रहा है वो आ जाता है। सेकंड में आपको दिखाता हूँ, उधर भी ग्रीन बेल्ट आ जाती है हमारी, तो दोनों तरफ आपकी ग्रीन बेल्ट रहेगी। फ्रंट पे हमारी कॉमर्शियल मार्केट आ जाती है, जो कि सैलून हो गया, डेली नीड्स का सामान हो गया, फार्मेसी हो गई, तो ये सारी दुकानें हमारी फ्रंट पे आ जाती हैं। अब हम आइए चलते हैं सोसाइटी के अंदर और देखते हैं क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या ऑप्शन है प्राइस को लेकर के। 2+ स्टडी, 2BHK, 3BHK, सारे साइजों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और रेट को लेकर के। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। अब हम आ चुके हैं सोसाइटी के अंदर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने हमारा मेन गेट आ जाता है। इधर से हमने एंट्री की है, एंट्री करते ही सामने आप देख रहे हैं पूरा काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये फाउंटेन स्पेस आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंट्री जो दी हुई है काफ़ी प्यारी एंट्री दी हुई है। सामने आप देख रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये भी आपका अच्छा ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, साइजेस को देखने वाले हैं एंड इसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज दे रहे हैं वो भी सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं, अगर इसके टोटल लैंड की बात करते हैं, जो कि 3.25 एकड़ के अंदर आती है, 3.25 एकड़ का ये प्रोजेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर 4 टावर आ जाते हैं। जिसके अंदर अगर हम साइजेस की बात करते हैं, तो सबसे छोटा साइज आता है 2BHK आपका, जो कि साइज होगा 987 स्क्वायर फीट। उससे बड़ा साइज आता है आपका 2+ स्टडी, 1150 स्क्वायर फीट। उसके बाद 3BHK का साइज आता है 1440 स्क्वायर फीट। 3 साइजेस इसके अंदर आ जाते हैं। काफ़ी छोटी सोसाइटी बनाई हुई है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है, जैसे कि आपने देख लिया होगा काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। सारे अमेनिटीज आपकी ऑपरेशनल है, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, SBI से लेकर के किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। रजिस्ट्री ओपन है, रजिस्ट्री हो रही है। नोएडा एक्सटेंशन में एक सबसे ज़्यादा इशू आता है कि आज के डेट में प्रॉपर्टी तो बन के कम्प्लीट हो गई, बट उसमें रजिस्ट्री हो नहीं रही है। तो ऐसे सोसाइटी 80% नोएडा के अंदर सोसाइटियाँ आ जाती हैं जिसकी रजिस्ट्री ओपन नहीं है। इसके सारे ड्यू क्लियर हैं, कोई भी गवर्नमेंट का ड्यू नहीं है, अठौती का कोई भी ड्यू नहीं है, सारी चीज़ क्लियर है, रजिस्ट्री ओपन है, SBI से लोन हो रहा है, सारी चीज़ इसकी ओके। अगर आप ऐसे सोसाइटी में जाना चाहते हैं जिसके अंदर सारी अमेनिटीज ऑपरेशनल हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, आते ही हम पेमेंट करें, आप रजिस्ट्री करें और शिफ्ट हो जाएँ, उस टाइप की ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट पिच दी हुई है, जो कि प्रैक्टिस पिच आ जाती है, बिल्डर दे रहा है। एंड इससे अंदर हम चलते हैं अब टावर के तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको बताया, ABCD ओनली 4 टावर आ जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा टावर नहीं दिए हुए हैं, ओनली 4 टावर हैं। फ्रंट पे 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट आ जाती है। इससे अच्छी सोसाइटी, इससे रॉयल सोसाइटी आपको छोटी सोसाइटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। अब हम आ चुके हैं सोसाइटी के पार्क के बीच में। सामने 2 टावर आ जाते हैं एंड इधर भी 2 टावर आ जाते हैं। बीच में आपका क्लब हाउस, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा क्लब हाउस का पार्ट आ जाता है, ये आपका क्लब हाउस रहेगा। एंड ये वाले जो टावर आप देख रहे हैं, A और B टावर आपके फ्रंट पे दिए हुए हैं, C और D टावर आपके बैक साइड में आ जाते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होकर के हमें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें इसके, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलनी है, तो वो सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सामने देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी ओपन जिम आ जाती है, जो कि जिम दी हुई है, ओपन जिम आ जाती है ये। एंड ये सीटिंग एरिया दिया हुआ है, ये बैठने का काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है।
फिनिशिंग की बात करेंगे, लैंडस्केपिंग हो गई, सारी चीज़ काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग दी हुई है, मेंटेन काफ़ी अच्छे सोसाइटी की हुई है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सेम अगर हम टावर सी और डी के अपोजिट में बात करें तो उधर आपका किड्स एरिया आ जाता है, एमपी थिएटर आ जाता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं उस तरफ। ये आप देख रहे हैं ये सीटिंग एरिया दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया, काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, पूरा एमपी थिएटर बनाया हुआ है, ये आपका एमपी थिएटर आ गया, ये आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। डमी आप देखेंगे काफ़ी प्यारी डमी रखी हुई है, ये हो गई एंड सामने हो गई, एक आपकी बैक साइड में हो गई, तो काफ़ी अच्छे से एक सोसाइटी के अंदर प्रीमियम बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों से ही सोसाइटी प्रीमियम बनती है। जैसे सीटिंग एरिया हो गया, ये लैंडस्केपिंग हो गई, बीच में जो भी आपका मटेरियल लगाया हुआ है, मार्बल लगाया हुआ है, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रॉयल फील आएगा इस सोसाइटी के अंदर आकर के, क्योंकि छोटी सोसाइटी है जैसा कि आपको पता ही है, काफ़ी अच्छे तरीक़ों से चीज़ें मेंटेन होती हैं। एक प्लस पॉइंट ये भी आ जाता है इसके अंदर, टू साइड आपका ओपन ये प्रोजेक्ट आ जाता है, जो कि आपका एक तो आ जाता है 100 मीटर ग्रीन बेल्ट वाले से, सेकेंड टप आ जाता है जो कि 60 मीटर का आपका रोड रहेगा, तो टू साइड ओपन है। आइए अब हम चलते हैं किड्स एरिया की तरफ, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं टावर आपका डी एंड सी, तो डी एंड सी भी सेम ही है, इधर आपका किड्स एरिया दे दिया है, झूले वगैरह दे दिए हैं और बाकी सीटिंग एरिया जैसे कि आपको उस तरफ दिया हुआ था वैसे सेम दे दिया है। इधर उस साइड आपकी ओपन जिम दी हुई थी तो इधर आपका किड्स एरिया आ जाता है, बाकी आपकी सोसाइटी बिल्कुल ओपन मिलेगी, ऐसा नहीं है कि टावर से टावर लगे हुए मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा बीच में आप जो कि गैप देख रहे हैं, और काफ़ी स्पेसेस सारे टावर जितने भी आप टावर देख रहे हैं चारों टावरों में प्रॉपर सनलाइट आती है, एक भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें धूप ना आती हो, किसी में मॉर्निंग की धूप आती है, किसी में फर्स्ट हाफ की धूप आती है, किसी में सेकंड हाफ की आती है, बट धूप सारे फ्लैटों में आती है, तो ये आपका प्लस पॉइंट आ जाता है। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको सेकेंड एंट्री गेट पर, अब हम चलते हैं आइए। अब हम आ चुके हैं सेकंड गेट की तरफ, तो ये हमारी सेकंड एंट्री आ जाती है जो कि 60 मीटर का आपका रोड रहेगा, ये हमारी एंट्री एरिया रहेगा। एंटर करते हैं तो ये कुछ इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ये आपका एंट्री गेट आ जाता है। एंट्री गेट के जस्ट पीछे अगर हम बात करते हैं तो बैडमिंटन कोर्ट आ जाता है आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका पूरा कोर्ट आ जाता है, ये आपका बैडमिंटन कोर्ट रहेगा। मैन एंट्री गेट आपका जैसे कि सामने हो गया, तो टू साइड आपकी ओपन सोसाइटी आ जाती है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं 3BHK 1440 स्क्वायर फीट वाला सैंपल फ्लैट, तो आइए अब हम चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ, उससे पहले मैं आपको क्लब हाउस भी दिखाता हूँ, आइए चलते हैं। क्लब हाउस के जस्ट बगल में ग्रोसरी की दुकान दी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं, बाहर ना जाना पड़े इसीलिए अंदर भी एक आपकी दुकान आ जाती है, बाकी ये अपना क्लब हाउस आ जाता है, क्लब हाउस के मेन एंट्री गेट आपका ये आ जाता है। इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं क्या क्या एमेनिटीज आपको मिलने वाले हैं, तो आइए चलते हैं क्लब हाउस के अंदर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे क्लब हाउस का फ्रंट का एलिवेशन है, मेन एंट्री अपनी यहाँ से रहेगी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन एंट्री गेट बनाया हुआ है जस्ट इसके बगल में, जैसा कि मैं आपको बताया था ये मार्केट बना रखी है और डेली नीड्स के सामान के लिए ये आपके सोसाइटी के अंदर मार्केट आ जाती है। जैसा कि ये सामने देख रहे हैं ये आपका क्लब हाउस के सामने डिजाइन बनाया हुआ है, क्लब हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो ये आपका सीटिंग रूम आ जाता है, सीटिंग एरिया दिया हुआ है, ये आपका मेन एंट्री गेट हो गया, सामने आपका रिसेप्शन आ जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है, तो रिसेप्शन आपको सामने देखने को मिला होगा, लिफ्ट देखने को मिल जाएगी सामने, ये आपके वॉशरूम्स आ जाते हैं, तो वॉशरूम भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेंगे एंड पार्टी हॉल भी आपको देखने को मिलेगा, तो सामने हमारा ये पार्टी हॉल आ जाता है, ये पूरा पार्टी हॉल आ जाता है, मान के चलिए 60 से 70 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है, तो काफ़ी अच्छा क्लब हाउस का पार्टी ये दिया हुआ है जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे देख रहे हैं। थ्री ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया एंड सेकंड हो गया, तो तीन फ्लोर का ये आपका क्लब हाउस आ जाता है, पूरा जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पार्टी हॉल का एरिया आ जाता है, स्टेयर्स आ जाती हैं एंड लिफ्ट आ जाती हैं इसके अंदर, तो हम लिफ्ट की तरफ से चलते हैं। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हमने ग्राउंड फ्लोर अभी देख लिया है, फर्स्ट फ्लोर पे जैसे एंटर करते हैं तो ये आपका मीटिंग रूम दिए हुए हैं,
यहाँ पे आराम से हम मीटिंग कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से सेटिंग वगैरह की हुई है यहाँ पर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं गेमिंग जोन एंड आपकी जिम वगैरह, इंडोर गेम्स, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं क्लब हाउस के अंदर। टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल दिया हुआ है, तो अभी हम स्विमिंग पूल की तरफ भी चलेंगे, वो आपका टॉप फ्लोर पे आ जाता है। ये आपका स्क्रीन दी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड ये आपकी विंडो आ जाती है, तो यहाँ से पूरा इलिजिबिलिटी रहती है आपकी जैसे कि आप देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम चलते हैं जिम की तरफ। जिम ऑपरेशनल है, जो कि आपकी जिम आ जाती है, ये आपकी जिम दी हुई है, ओपन जिम भी दी हुई है, एंड इसके अंदर क्लब हाउस के अंदर भी जिम आ जाती है, तो टू टाइप की इसके अंदर आपको जिम देखने को मिल जाएगी। जिम ऑपरेशनल है आपकी, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप सोसाइटी देख रहे हैं तो इसके अंदर चीज़ें काफ़ी अच्छी आ जाती है। छोटी सोसाइटी बनाई हुई है, इस वजह से बिल्डर को सोसाइटी एंड क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ को मेंटेन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी छोटी सोसाइटी बनाई हुई है, मेंटेनेंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है इस सोसाइटी का। तो काफ़ी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, जो कि एक आपको रॉयल फील दिलाने वाली है। यह आपका गेमिंग जोन आ जाती है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक शांत एरिया में रहना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से अलग रहना चाहते हैं, तो आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं, क्योंकि सेक्टर वन की पॉश एरिया की लोकेशन आ जाती है ये। सेक्टर वन नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन है। अपोजिट में बात करें तो गौर के मलवरी मैंशन आते हैं, जो कि 32 करोड़ रुपये से स्टार्टिंग प्राइस आते हैं, तो उसी के पास में ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये आपने देखा ट्रीटेड रूम आ गया, उसके बाद ये आपका कैरम रूम आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। क्लब हाउस काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है क्लब हाउस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेडी टू मूव आपकी सोसाइटी है, आज पेमेंट करिए कल शिफ्ट हो जाइए, इस टाइप की आपको सोसाइटी मिल जाती है। टॉप फ्लोर पर इन्होंने स्विमिंग पूल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख रही है आपका टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल आ जाता है। अभी ऑपरेशनल नहीं किया है, वैसे तो रनिंग में, बट कोविड की वजह से बंद किया हुआ था, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये आपका क्लब हाउस हो गया, टॉप फ्लोर पे क्लब हाउस आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। तो टावर ए की ये आपकी लॉबी आ जाती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लॉबी किस टाइप की बनाई हुई है। हर टावर की इसी टाइप की आपको लॉबी देखने को मिलेगी। टावर ए के अंदर अभी हम जा रहे हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो सामने रिसेप्शन एरिया आ जाता है, जो कि गार्ड आपका बैठा रहेगा, एंड इधर आपके सोफे वगैरह डले हुए हैं, अगर कोई आपके पास आता है मिलने के लिए आता है तो वो यहाँ पे रेस्ट कर सकता है। अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। मैं आज आपको 3BHK 2 टॉयलेट के साथ फ्लैट दिखाने वाला हूँ, जो कि 1440 स्क्वायर फीट का साइज है, रेडी टू मूव के अंदर। इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ आपको हो करके मिलने वाली है, बिल्डर क्या क्या चीज़ लगा करके दे रहा है, तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये हमारी पूरी लॉबी रहेगी जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपना लेआउट आ जाता है, किस टाइप का आपका लेआउट है वो आप देख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं सैंपल फ्लैट पे। जैसे आप एंटर करेंगे तो फ्रंट में ये आप देखेंगे स्टील का मेन गेट दिया हुआ है, जो कि आपको बिल्डर लगा करके दे रहा है सिल्वर का, ये आपका गेट लग करके मिल रहा है। एंड उसके बाद आप एंटर करते हैं तो ये आप देखेंगे 8 फिट की हाइट आ जाती है गेट की, मेन गेट की, तो ये आपका गेट लगा करके दे रहा है बिल्डर। हाइट की बात करें तो 8 फिट के हाइट आ रही है, काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा गेट आपको लग करके मिलने वाला है। एंटर करते ही आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग रूम के अगर हम साइज़ की बात करें 10.5 x 14.5 का साइज आ जाता है, जो कि 1440 स्क्वायर फिट के अंदर है, तो काफ़ी अच्छा लेआउट बनाया हुआ है इन्होंने। ड्राइंग रूम आ जाता है, ड्राइंग रूम से अटैच आपको बालकनी देखने को मिल जाएगी। ये आपकी फर्स्ट बालकनी आ जाती है, ड्राइंग रूम से अटैच आपकी बालकनी रहेगी। इस फ्लैट के अंदर सारी यूनिट में प्रॉपर सनलाइट आती है, प्रॉपर आपको धूप देखने को मिलेगी। चारों टावरों में जितने भी फ्लैट है सारे सनलाइट फेसिंग है, किसी में फर्स्ट आपकी धूप आती है, किसी में सेकंड आपकी धूप आती है, तो धूप आपको दोनों चारों के चारों टावरों में देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं डाइनिंग की तरफ एंड किचन की तरफ। तो ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है,
उसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये आपका किचन दिया हुआ है, किचन का काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। एंड ये आप काम हो करके देख रहे हैं, आपको पूरा काम मिलने वाला है। एंड ऊपर का भी काम आपको बिल्डर करके दे रहा है, यानी कि आपको फुल मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है। 8x8 आपको किचन मिलने वाली, काफ़ी अच्छा साइज आ जाता है 8x8 का। एंड अटैच आपको बालकनी मिल जाएगी। सिंक का स्पेस इन्होंने अलग ही कर दिया है, तो उससे काफ़ी अच्छा देखने में लगती हैं चीज़ें। जैसे कि आपने किचन देख लिया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाते हैं। फुल मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। इस फ्लैट के अंदर आप जितने भी वॉलपेपर हो गए, LED लाइट, पंखे, वो सारी चीज़ आपको हो करके मिलने वाली है। बिल्डर इसके अंदर सारी चीज़ें आपको लगा करके दे रहा है, कुछ भी आपको अलग से नहीं लगानी। फुल मॉड्यूलर किचन बना करके दे रहा है, बोर्ड ऑप्स बना करके दे रहा है, LED लाइट हो गई, आपकी जो डिजाइनिंग लाइटें लगी हुई हैं वो भी आपको हो करके मिलने वाली है, वॉलपेपर आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसके अंदर। यह फर्स्ट बेडरूम है, 11x11 का आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। अटैच आपको बालकनी देखने को मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम, तीनों बेडरूम से आपको अटैच बालकनी देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर। फर्स्ट एंड मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी रनिंग ये आपकी बालकनी आ जाती है। काफ़ी बड़ी बालकनी का साइज दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड प्रॉपर पार्क फेसिंग के आपके फ्लैट आ जाते हैं। अगर हम 3BHK के फ्लैट की बात करें, तो ये चारों टावर के अंदर जितने भी यूनिट है पार्क फेसिंग की यूनिट आपकी ओनली 3BHK के फ्लैट की हैं। अगर आपको पार्क फेसिंग यूनिट चाहिए तो आप इस सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ओनली इस सोसाइटी के अंदर पार्क फेसिंग में यूनिट बनाई हुई है 3BHK फ्लैट की। ओनली 3 साइजेस लेकर के आए हैं, 2BHK, 2+ स्टडी एंड 3BHK। तो चीज़ें आप देख सकते हैं। यह आपका कॉमन वॉशरूम रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉमन वॉशरूम रहेगा। अगर इनके फिटिंग्स की बात करें तो काफ़ी एक प्रीमियम वाला लुक देखने को आपको मिल जाएगा इसके अंदर। वॉशरूम के एंड बेडरूम के गेट के डोर की बात करें तो वो भी 8 फीट के आपको गेट देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एक आपके फ्लैट को प्रीमियम लुक देती हैं। जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने में लगती हैं। एंड ये आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। मास्टर बेडरूम 11x13.5 का मास्टर बेडरूम आएगा। तो बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा बेडरूम दिया हुआ है। अटैच आपका मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम रहेगा, अटैच आपको बालकनी मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको होकर के मिलनी है। एंड ये आप देख रहे हैं वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम की फिटिंग्स की, जैसे कि अभी मैंने फिटिंग्स की बात करी है, तो वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अच्छी देखने को, एक प्रीमियर लुक की देखने को मिलेंगी। एंड इसकी बालकनी हम दिखा देते हैं। दोनों बेडरूम से अटैच आपकी बालकनी रहेगी। जैसे कि हम बालकनी की बात करें तो फर्स्ट बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम से अटैच बालकनी आ जाती है। रनिंग में बालकनी दी हुई है, काफ़ी बड़ा साइज आपको बालकनी का देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सामने अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हेरिटेज फ्लोरा सोसाइटी आ जाती है, उसके जस्ट बगल में ये आपकी सोसाइटी आ जाती है। तो ये लगे हुए प्रोजेक्ट आ जाते हैं, प्रीमियम लोकेशन पे आ जाते हैं। ATS हो गया, ACE हो गया, फ्लोरा हो गया, आपका अरिहंत अंबर हो गया, उसके बगल में आपका AIG रॉयल हो गया। तो ये सारी सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटियों की लोकेशन में चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है। थर्ड बेडरूम होने वाला है, अभी हम मास्टर बेडरूम से आए हैं, तो ये थर्ड बेडरूम आ जाता है। थर्ड बेडरूम 11x10 का आपका साइज आएगा। थर्ड बेडरूम का साइज जो होगा 11x10 का साइज आएगा। अटैच आपको बालकनी रहेगी, कॉमन वॉशरूम था वो बिल्डर आपको थर्ड बेडरूम से अटैच करके दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तीनों बेडरूम के अंदर आपको बोर्ड ऑफ्स लग करके मिलने वाली हैं, वॉलपेपर लग करके मिलने वाला है, पंखे लाइट वगैरह सारी चीज़ आपको हो करके मिलने वाली हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इसके प्राइजिंग की बात करें तो जो इसका प्राइज दिया हुआ है, 5200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है, प्लस कुछ अदर चार्जेस हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक प्लस पॉइंट और बताना चाहूँगा, जो सबसे अच्छा इसके अंदर प्लस पॉइंट ये आ जाता है आपका, अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आपके पास रजिस्ट्री का पैसा नहीं है, तो वो भी लोन का पार्ट बन जाएगा। होगा क्या, आपके जो भी रजिस्ट्री के चार्जेस लग रहे हैं वो आपके लोन में इंक्लूड हो जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये अभी स्कीम चल रही है, इन सारी स्कीमों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको चीज़ समझ में आई है, पूरा आपने एंड तक वीडियो देखा है, लेआउट समझ में है, सारी चीज़ अच्छी लगी है, तो आप विजिट प्लान कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर हो रखा होगा, कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक आपको अच्छे डील मिलेगी अच्छे रेटों के साथ, इस चीज़ की गारंटी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।